अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन ज़फ़र विद इलेक्शन 23। हम बात कर रहे हैं मियाँ अब्दुल समद साहब से, जो कि PP 159 लाहौर से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में। तो वेलकम अगेन मियाँ साहब। यह बताइए, मैं पहले हिस्से में प्रोग्राम के आपसे पूछा था कि आपको अगर मैंने तीन चॉइसेस दी थी आपको, कि अगर उनमें से इनमें से कोई वजारत आपको पसंद हो तो आप खुद को कहाँ पे प्लेस करना समझते हैं? आपने कहा था बल्दियात, लोकल बॉडीज। एज लोकल बॉडीज मिनिस्टर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट थ्री प्रायोरिटीज, तीन प्रायोरिटीज उसमें आपने क्या? सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो सफाई के निज़ाम को बेहतर करना। क्योंकि आप पहले बताते आ रहे हैं कि अगर हेल्थ के बजट को कम करना है तो हाइजीन को हाइजीन को इम्प्रूव करना इम्प्रूव है, कर दिया ठीक जाए। है। अच्छा, उसके अंदर अगर पहले बात करूं कि आपका सफाई के निज़ाम को सबसे पहले ठीक हो गया, बेहतर करना, राइट। देन एनवायरनमेंट को बेहतर करना, एनवायरनमेंट को बेहतर करना, ग्राउंड एंड द वो एयर, तो वो PTI का एक स्लोगन भी रहा है, वो 1 बिलियन ट्रीज वगैरह बहुत सारा। थर्ड प्रायोरिटी इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे मुराद है सड़कें, गलियां, सड़कें हो गई, आपकी गलियां हो गई, सीवरेज का आपके निज़ाम, रिहैबिलिटेशन हो गया, आपका हॉर्टिकल्चर के काम हो गए, ठीक है, राइट राइट प्राइम डेवलपमेंट्स हो गई आपकी। लेकिन जो सबसे पहले मैंने सफाई की बात की उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऐसी नीड है जिसके ऊपर आप रुक के फैसला नहीं कर सकते। शहर ने कचरा प्रोड्यूस करना ही है, करना ही करना ठीक है। है। आप 10 दिन की प्लानिंग का कर लें, आप 20 दिन की प्लानिंग कर लें, आप 1 घंटे की प्लानिंग करें, टनों खर्च जो कचरा है वो 1 घंटे में पैदा हो ही जा रहा यहाँ है। तो वो उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया था, वो LWMC कंपनी कर दी है, टर्किश कंपनी आ LWMC गई के बाद फलाना। बिल्कुल यू थिंक बिल्कुल कि वो ठीक था, उससे उससे कोई फायदा हुआ था? देखिए, फायदा सम हो हुआ भी, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आज भी, अच्छा, तो ऐसी चीज जरा ठीक है। इलेबरेट कर वो दें हमें। उसका बजट 14 अरब का है, सलाना 14 अरब रुपए अरब सालाना है सालाना उस जो है ऑर्गेनाइजेशन उस का। ऑर्गेनाइजेशन वो का। ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर है? देखिए, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ठीक, ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है जो ऑर्गेनाइजेशन लाहौर है, शहर का कचरा लाहौर शहर का उठाती खर्चा है, उठाती है और पंजाब गवर्नमेंट उसको जो है वो पे 14 अरब रुपया पे कचरा उठाने करती का है, दे और देती 15 अरब है, उसका खसारा भी भरती है। खसारा भी भरती है। तो ये 29 अरब रुपया एक साल का हम देते हैं, 32 अरब रुपया कचरा उठाने का। अच्छा, लेकिन ये देखिए, ये स्टोरी अब ये स्टोरी से थोड़ी पीछे की है, ठीक है। एक कचरा ओके। इतना प्रोड्यूस क्यों होता है, इतना प्रोड्यूस क्यों प्रोड्यूस होता क्यों होता है? है? हमें पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए, अच्छा, जिस तरह आप हमें समझते हैं कि कम प्रोड्यूस होना चाहिए? पॉलीथिन को अवॉइड करना चाहिए, रिसाइकल को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक हमने हमने है। पॉलीथिन के ऊपर कोई अपना नहीं बनाई, पॉलिसी नहीं बनाई कभी हमने। कोई कानून बना तो था, उन्होंने कहा ये शॉपिंग बैग ये नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनेंगे, फिर है, वो कोई और इम्प्लीमेंटेशन नहीं मटेरियल है। के वाइट से आ गए, वो 5-5 रुपए में देने देखिए, शुरू जहां हुए। पॉलिसी मेकिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैकडॉनल्ड्स के मिसाल ले, पूरी दुनिया के अंदर वो एक भी शॉपर नहीं इस्तेमाल कर रहे, प्लास्टिक बैग एक नहीं इस्तेमाल कर हाँ, रहे। वहां तो कागज का थैला मिलता है, उनका जो स्ट्रॉ है वो भी पेपर का है, पेपर का होता है। ठीक हाँ है। जी, तो दिस इज मैं समथिंग कि आपको आप बताऊं, पॉलिसी जब को, मैं 10 साल से कम उम्र का था, तो जब उस जमाने में ये बोतलें वोतलें मिलती थी, तो ये प्लास्टिक के स्ट्रॉस नहीं होते थे, पेपर के स्ट्रॉ पेपर आते के, थे, और ये अखबारी कागज के थैले बना के और ऐसे, और लोग अपने घरों से टोकरियाँ या थैले लेके आते थे। मैंने भी रखे हुए 2 थैले अपने पास। तो हाँ, ये इसको पहले तो इस चीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि यानी आप डिस्करेज करें डिस्करेज प्लास्टिक के करने का, इस्तेमाल को। प्लास्टिक को डिस्करेज करना पड़ेगा। यस, देन फिर आपको लोगों को ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि वेट वेस्ट क्या होता है, ड्राई वेस्ट क्या होता है, उसकी सेग्रीगेशन करके फेंके, ठीक है। पूरी ये बड़ा दुनिया में मुश्किल काम सेग्रीगेशन है, है, मुझे पूरी पता दुनिया में है। वो सेग्रीगेशन है। शीशा, मेटल और ये दो दो वेट कर लें वेस्ट आप, अलग-अलग कर बिना दिया करें जाता वेट है। वेस्ट करें, ड्राई वेस्ट करें, ताकि ठीक है। आपका जो उसके ऊपर लेबर है वो कम हो जाए, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो लेबर कम करके कागज अलग फेंकता कागज है। ज्यादा फेंक दे, और हाँ, जो आपका जो यह दूसरा आइटम होता है वेट वेस्ट, जो वेट ठीक प्रोड्यूस है। करें, ये जैसे आई केले के थिंक छिलके इट्स अ से, वेरी गुड आइडिया, अच्छा, आई थिंक इट्स अ वेरी उसकी गुड अवेयरनेस आइडिया, देना बड़ी ये जरूरी है, अवेयरनेस बहुत ठीक है, जरूरी वो है। यस अवेयरनेस। यस, देन तीसरा आया था कि जो आपकी मशीनरी काम कर रही है वो उनका चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। मेरे नज़दीक हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं,
उसमें 5 से 10% वेरिएशन हो सकती है कि कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें एक्स अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड है वो पर उसमें कितनी आबादी रह रही है और पर कैपिटा कितना वेस्ट डेली प्रोड्यूस होता है उसकी क्वांटिटी मेजर की जाए और उस इलाके से कूड़ा जनरेट होकर जब उठाया जाए उसकी क्वांटिटी भी ली जाए ताकि देखा जाए कि मिसिंग लिंक कौन सा है यहाँ पर। अगर 20 टन कूड़ा पैदा हो रहा है और 5 टन पहुंच जाए तो इसका मतलब 15 टन बीच में सड़कों में पड़ा हुआ है, उड़ जाता है, हवा उड़ जाता है, सड़कों में पड़ा हुआ है। इन इन ये कंपैरिजन चोरी भी हो सकता है, ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कंपैरिजन ये मिसिंग लिंक को तलाश किया जाए, राइट। फिर इसमें भरपूर इस्तेमाल किया जाए आपके आईटी का, आईटी का, आईटी का वो कैसे होगा, इसकी एप्लीकेशंस बनाई जाए। अच्छा जी, आपके जो काम करने वाले लोग हैं, मेरा ना एक्सपीरियंस हुआ एक मॉल में, एमिरेट्स मॉल के अंदर जाने का ना। अच्छा, तो दुबई में, दुबई में ना। अच्छा, तो उनका ना काफी ह्यूज फ्लोर है, तो आई वाज नोटिसिंग एक बंदा ना टैबलेट लेके खड़ा हुआ है और ना काफी सारे लोग ना उसके ऊपर ना, नहीं पूरा एक फ्लोर प्लान बना हुआ उसका मॉल का, एक फ्लोर का। अच्छा। और ना उसके ऊपर ना ब्लिंक हो रहे हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स वो इधर छोटे 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 छोटे। मैं थोड़ा सा हो गया नखील कंपनी का वो एम्प्लॉई था। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि यार व्हाट आर यू डूइंग, वो कहता है जी मैं सुपरवाइजर। ओके, तुम कैसे सुपरवाइज कर रहे हो चीज को? कहता ये ना टैप के ऊपर ये फ्लोर है और हमने ना इस एरिया में ड्यूटी मार्क की भी, वो छोटी सी कार्ट के ऊपर ना नीचे ब्रूमर्स लगे हुए वो सफाई करी, तो उसको जो हमने एरिया दिया हमने प्री प्रोग्राम किया हुआ, उसने 7:15 के ऊपर यहाँ ब्रूमर चलाना है। अच्छा, और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये ब्रूमर अपने डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर अगर नहीं तो मुझे पॉपअप आ जाएगा कि गाड़ी कहीं और कर रही है, तो यहाँ हमारी गाड़ियों में भी लगवा दें, हमारी गाड़ियों में भी लगवा दें। और वो इतना कॉस्टली नहीं है, अगर आपकी कोई डेढ़ करोड़ रुपए की गाड़ी है ना, ठीक है, तो उसमें 15-20 हजार रुपए का ट्रैकर, जैसे वो ट्रैकर गाड़ियों में लगे होते हैं वही चीज उनमें लगवा दें और घर उसमें सैप को इन्वॉल्व करें या एप्पल को इन्वॉल्व करें उसकी। आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको आईटी के जरिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बल्दिया के अंडर आपकी ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, स्कूल, सैनिटेशन, ये सी चीजें, तो सैनिटेशन को आपने बताया और आपने पहले कहा था कि ये एनवायरनमेंट को और हाइजीन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हेल्थ के ऊपर लोड कम हो जाए, लोग हेल्दी हवा में सांस लेंगे तो बीमार कम होंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत हमारा लाहौर के तक बहुत मसला बन गया और आपके हल्के में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मोटरसाइकिलें इंतहा से ज़्यादा बढ़ गई हैं शहर में, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरा है, देखें ना अब तो वन वे तोड़ना तो एक मामूल की बात रह गई है ना, आई मीन इट्स वेरी डेंजरस कि भाई कुछ खास सामने से चलता हुआ आ जाता है, हाउ डू यू डील विद इट? और अब मुझे पता है कि हम सब लोग इससे डील कर रहे हैं डेली बेसिस। 98 में लाहौर का मास्टर प्लान बना, 98 में लाहौर का एक मास्टर प्लान बना। ओके, जैका ने एक सर्वे कंडक्ट किया, राइट, उसका ट्रैफिक अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसने अगले 100 साल के लिए आपको चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, ओके, नेक्स्ट 100 ईयर्स आपको नहीं चाहिए, आपकी सड़कों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको अपने लाइसेंसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, right. आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको ट्रैफिक अवेयरनेस की डिप्लॉयमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ाना जरूरी। अब तो लोगों की मोटरसाइकिलों पे पीछे नंबर प्लेट और टेल लाइट भी नहीं होती। हाँ, तो आपका लाइसेंसिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम फेल है ना, आप 2000 रुपए देकर लाइसेंस बनवा लें। अच्छा। बाहर के मुल्क में जो आपको लाइसेंस बनाया, इस तरह कम से कम पीएचडी की डिग्री लेनी है। सही बात है। तो जब आप वो एक पढ़े लिखे तरीके से अपना लाइसेंस लेंगे तो फिर आप तमीज से गाड़ी भी चला लेंगे, तमीज से गाड़ी भी चला लेंगे अगर आप नहीं लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ना उन्होंने ना एक स्कूल एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, उन्होंने ना फिर एक इस किस्म की अवेयरनेस, उन्होंने ना एक अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया, रियल टाइम एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ना एक चौक के ऊपर इशारे के ऊपर एक बंदा लगा दिया जिसको सुपरवाइज कर रहा था, देख रहा था, तो वहाँ पर बड़ी बेजाबती थी, ट्रैफिक लाइट लोग तोड़ रहे थे, फिर उन्होंने एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया, 50% अक्रेंस कम हो गई, फिर उसके बाद में चलान बुक पढ़ा दी, ओके, वो 92% कम हो गई। तो थोड़ा सा हमें रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें थोड़ी सी सड़कों पर, लेकिन लोग माइंड कर जाते हैं यहाँ पे, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, रवैये भी ऐसे है ना। अब जैसे यहाँ पे ये सेफ सिटी के कैमरे लगे थे, लोगों की वो तस्वीरें उतरने, तो वहाँ पे एक नया चैप्टर खुल गया कि जी अब यू नो द काइंड ऑफ पिक्चर्स दैट वर टेकन विद दोस कैमरास, तो वो लोगों की प्राइवेसी के मुसीबतें पड़ गई,
घर में कोई चालान आ गया किसी का, तो वहां तो सफे मातम बिछ गई जो उस चालान के साथ तस्वीर आई। आपने 2-3 साल में किसी का घर तबाह कर दिया। हाँ जी नहीं, आप क्या गुटलियों के साथ वो तस्वीरें ना देते। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आई मीन दोस कैमरास आर वाचिंग एवरीथिंग नाउ। लेकिन वो फिर वो देखना कि वो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डूब गया। ये एनएफसी अवार्ड के बाद प्रोविंसेस को बहुत ऑटोनोमी हासिल है। कौन से मैनेजेरियल इसमें हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टास्क आइडेंटिफिकेशन, और उस टास्क को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत मुश्किल बात कर दी, आसान करके तो बता दें। ये आपने ना ले मैन लैंग्वेज में जरा आम आदमी की जुबान में समझा दें। कोई भी आप प्रोसेस अडॉप्ट कर लें, ठीक है, और उसका कोई भी आप सोल्यूशन निकाल लें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें, ठीक है, उसकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर सोचते ही नहीं, हम खुद कार निज़ाम बनाते ही। और ये करने से हमें कौन और क्या रोक रहा है? वो देखें, वो पर्सन बेस्ड निज़ाम बनता है, उस बंदे के जाने के बाद निज़ाम खत्म हो जाता है। ओके, 4 दिन चलेगी चीज, 4 दिन नहीं चलेगी। हल बताए ना इसका क्या है? हल पहले हम वैसे डिस्कस कर चुके हुए हैं, जरा इससे लिंक अप करके दोहरा दीजिए। वन मैन शो। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज अब आ जाते हैं कि ये समझाइए कि यहाँ पे अब ट्रांसपोर्टेशन का मसला जो है उसको आप कैसे हल करेंगे? अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के मसले में सबसे पहले तो जो डिफरेंस है ना इन अ कार ट्रेवल एंड अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये खत्म करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। जैसे हम यूरोप में जाते हैं या बाहर किसी भी जगह चले जाते हैं, तो ट्रेन में ट्रेवल करना या ट्राम में ट्रेवल करना या मायूब नहीं समझा जाता, ठीक है। उसको हम प्रमोट करते हैं, प्रमोट करते हैं। एक तो इस चीज को प्रमोट, तस्वीरें लेके भेजते हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो गाड़ी रखने वाला बंदा है ना, ठीक है, उसको आप हाई टैक्स के नीचे ले, उसकी कैपेसिटी के लिहाज से यूज किया जाए, ठीक है। और आप जब देखें कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसमें 40 लोगों की गुंजाइश है बस में, तो 40 ही 35 ही बिठा ले, चले 35 काम बैठे वो क्या आपकी 40 की बात सुन के 45 से पहुंच जाते हैं, इनको 35 कहेंगे तो तब भी 40 से पहुंच ही जाएंगे। एक तो ये जो इनका आपस में रेलिवेंस है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को, इसको ख़त्म किया जाए सबसे पहले, यानी कि ये एक सेम लेवल के ऊपर आना चाहिए। फिर जो आपके आप समझते हैं जो एरियाज ऐसे हैं जो जब पेडेस्ट्राइज एरिया है, इस तरह एम ए वालम शुड बी नाउ पेडेस्ट्राइज, मतलब ट्रैफिक की एंट्री नहीं मना कर देनी चाहिए। हम लोगों ने पैदल चले, लोग इनकरेज किया जाए, इनकरेज किया जाए उस चीज को। शहर में आपको पता है फुटपाथ्स नहीं है, लोगों ने थड़े बनाए हुए हैं और कुछ आगे इंक्रोचमेंट्स है, सीरियस इशू है, सीरियस इशू है। अगर आप चाहें भी तो पैदल नहीं चल सकते। अच्छा, और इंक्रोचमेंट इज जस्ट लाइक अ कैंसर, आप आज खत्म करेंगे 4 दिन बाद वो दोबारा रीग्रो कर जाएगा। इसका कोई हल मौजूद है? इसका बिल्कुल हल मौजूद है। आप उनको पैरेलल, लेकिन ये बहुत पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सीरियस पॉलिटिकल। अगर आप एक मिनिस्टर ऑफ लोकल बॉडीज के तौर पे एक काम करेंगे, आपके अपने कोलीग्स जो हैं वो आपको कहेंगे नहीं, वो देखिए आप किसी की रेडी उठा लेना, किसी का थड़ा तोड़ देना इज नॉट अ सोल्यूशन। अच्छा, ये कैसे होगा? पैरेलल ग्राउंड प्रोवाइड की जाए। आप एक विंडो बंद कर रहे हो तो विंडो, वो भी मैंने देख रखा। ये टाउनशिप मेन मार्केट में, ये मैं आपको 1980s या अर्ली 90s का बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की जगह थी, उन्होंने ये वहाँ पे प्लॉट था, वहाँ पे दुकानें बना के दी, लोगों ने वो दुकानें बेची या वो किरायों पे दे दी और वापस आके दे दिया, वापस आके बैठ के। लेकिन वो देखे ना, वो आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम देन अ सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम क्या है, सस्टेनेबिलिटी नहीं। हाँ, तो वो सिस्टम को कैरी किसने करना है? रूल बने और रूल इम्प्लीमेंट हो और फिर रूल चले। उसकी मेरे नजदीक ना उसकी एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो विजिलेंस का निजाम संभाले, ठीक है। और हूएवर इज द सीईओ उसको डायरेक्टली रिपोर्टिंग हो, मे बी ही इज अ सीएम और मे बी इज अ प्रेसिडेंट और मे बी इज अ प्राइम मिनिस्टर। एक मुल्क में विजिलेंस का ऐसा निजाम हो जो कि हर रूल को, जब जो भी रूल बने ना उसकी हेल्थ को एटलीस्ट बताए कि जी दिस, ये आपकी एक ये आपका रूल था एक्स वाई जी, इसकी हमने 100% कैपेसिटी पे स्टार्ट किया था, आज इसकी हेल्थ 37% है।
यानी कि 73% 63% कॉम्प्रोमाइज हो गए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमें बेसिकली सारी न्यू टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, जो वो हमारा एक मुंशी कल्चर है ना, जैसे जैसे अकाउंटिंग अब कंप्यूटर पे आ गई है, बैंकिंग सारी मोबाइल के ऊपर आ गई है। अगर वही खाते वाला सिस्टम चल रहा होता तो बैंक में पैसे कब के निकला, 3 दिन बाद खाता था, पैसे चलेगी। अब क्या होता है, जैसे कोई विड्रॉल होता है विद इन अ सेकेंड आपको मैसेज आ जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन जितना सीक्वेंस कम हुआ है, ठीक है, जितना डिस्टेंस कम हुआ है उतनी आपकी इंप्रूवमेंट आ गई सिस्टम के। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो थोड़ा सा मुल्की निजाम को जिस तरह प्राइवेट निजाम चल रहा होता है ना, उस तरह लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे ये देखिए, आज वेल टू वर्क है, वेल टू वर्क एक प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, देन ओनरशिप ऑफ द वर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आप हिंट कर रहे हैं, आपकी बातें हिंट कर रही हैं हमारे स्कूल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो बल्दियाती निज़ाम में एज मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो ये सरकारी स्कूल तो आपके दायरा इख्तियार में आ जाते हैं, उनको क्या, उनका क्या करना चाहिए? अच्छा, अब ये भी आपका ना एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, नहीं एग्जिस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो क्या? एक हेल्थ बिजनेस नहीं होना चाहिए था, हेल्थ को बिजनेस नहीं बनना चाहिए, प्राइवेट अस्पताल नहीं होने चाहिए, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ओके। इवन हाउसिंग को बिजनेस नहीं बनना, हाउसिंग को बिजनेस नहीं बनना चाहिए, एंड फूड सिक्योरिटी को बिजनेस नहीं बनना चाहिए, ओके। ये वो काम है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो खलाई शटल बनाते और चांद पे चले जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर इस सिस्टम को जान बूझ के डिमोरलाइज किया जाता है, क्योंकि अगर अच्छा अस्पताल नहीं होगा तो आप प्राइवेट में चले जाएंगे। अगर सरकार एक मॉडल अस्पताल बना ले जो प्राइवेट के लेवल का हो और उसको सब्सिडाइज करे, तो सवाल बनता है कि लोग एक्सवाईजी अस्पताल में जाएं, लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सेहत कार्ड ने एक अच्छा काम किया, सस्ते में सेहत कार्ड ने, बजाय हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते मुख्तलिफ शहरों के अंदर, हमने ऑलरेडी बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कार्ड के जरिए इस्तेमाल कर लिया। लेकिन उसमें आपको लगता है कि वो इफेक्टिव था, यानी उससे उतना हासिल हो गया जितना सोचा गया था? एक पॉलिटिकल माइलेज हमने बहुत हासिल किया उससे, okay. एक रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ हमने बहुत ही, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, राइट, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। मुझे जिस चैरिटी, और मैं ये समझता हूँ कि कौम कौम होती है, कौम की अपनी खूबसूरती होती है, कौम ग्रो कर रही होती है और कौम खुददार होती है, खुद मुख्तार होती है। अगर कौम है, आपको लगता है हम वैसी कौम है, हमें होना चाहिए। अगर हमने 1947 में खुददारी के चाहिए तो एक बहुत बना लिया, अगर हमने 47 में, देखिए मेरे अगर पुरख खुददार थे तो हमारे में कहीं खुददारी का एलिमेंट होगा, हम उससे थोड़ा सा आंख ओझल करके और ये खुद ही तलाश हो जाएगी। अच्छा। ये एक हमारे ऑप्टिमिस्टिक है, ये होगी, इट विल टेक टाइम, लेकिन जिस तरह इंफॉर्मेशन एसिमेटिक हुई है, लोगों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया है, लोगों ने और मुल्कों से अपने मुल्क का मुवाजना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो समहाउ ये चिराग जलेगा, राइट, कैसे जलता है, कौन जलाता है, ये दोबारा 2023 में आप प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह 159 PP लाहौर, आप अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स के होराइजन पे देखते हैं आने वाले सालों में? बिल्कुल। आने वाले सालों में पाकिस्तान की नेशनल सियासत कैसे नजर आती है आपको? कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि बड़ा काम करने वाला है, हमारे फॉरेन पॉलिसी पे बहुत काम होने वाला है। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव हैपेंड? जो हमने पिछले चंद सालों के अंदर और ये पिछले जो चंद महीने हैं इसके अंदर हमने अच्छा मैसेज तो नहीं दिया ना, ठीक है, हमारे हम में कौन कौन है, हम में सारे शामिल हैं। अच्छा, सो नॉट वेरी हैप्पी विद फॉरेन पॉलिसी, हैप्पी विद फाइनेंशियल पॉलिसीज, नो, व्हाट्स रॉन्ग? आई एम हैप्पी विद डिफेंस पॉलिसीज, डिफेंस पॉलिसीज अच्छी है हमारी। देखिए, हम लोगों को ना किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ठीक है, और यू आर एंटी वॉर, वी आर एंटी वॉर, एंटी कॉन्फ्रंटेशन, वी आर नॉट स्टेबल, व्हाई शुड वी प्रमोट वॉर? व्हेन वी आर स्टेबल देन वी शुड, नो, देन वी शुडंट,
अमीर आदमी उसके डरपोक होता है जिसके पास पैसे होते हैं वो लड़ाई करता है, अगर नथिंग टू लूज। अभी हमें बचना जरूरी है वॉर से, और जब बन जाएंगे फिर तो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे, डिजायरेबल नहीं रहेगी, फिर डिजायरेबल नहीं रहेगी, डिप्लोमेट हो जाएंगे। हाँ, एंड देन और हमें एक चीज इंश्योर करनी चाहिए कि हमारी स्टेट भी वॉर के लिए इस्तेमाल ना हो। ट्रेड डेफिसिट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ट्रेड डेफिसिट को अभी कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिपेंडेंट थे फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर, ठीक है। डॉलर हमारा बहुत बाहर जाता है क्योंकि हम कंज्यूमर कंट्री हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हम गंदम उगा रहे हैं तो हम गंदम मंगवा क्यों रहे हैं, अगर हम चीनी बना सकते तो हम चीनी मंगवा क्यों रहे हैं, ठीक है। चीनी बाहर से सस्ती मिलती है और घर में महंगी पड़ती है, तो फिर वहां और जो जिन चीजों पर हमारी डिपेंडेंसी है, चलो तेल आ रहा है मुल्क में समझ आता है, उसने आना है तो डॉलर लेके जाना है, ठीक है। और लेकिन इंडिया में आप देखिए उनका प्रोग्राम है 2030 तक वो 80% व्हीकल्स जो है इलेक्ट्रिक ले जाएंगे, हमारे लिए हमें वो करना चाहिए। और फिलहाल अगर सऊदीया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो हमें फिलहाल एज अ कमोडिटी कमोडिटी को ट्रेड बना लेनी चाहिए, बार्टर ट्रेड करने चाहिए कि ना डॉलर क्या देंगे तेल के बदले में, सिक्योरिटी दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे उनको जरूरत है, हमारी फौज सबसे अच्छी दुनिया के अंदर, ओके ठीक है, तो फौज को हम दे सकते हैं उन्हें, ओके, कि उनकी हिफाजत करें, उसके बदले में तेल दे दें, उसके बदले में तेल दे दें। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मियां अब्दुल समद साहब, वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू आर अ वेरी स्मार्ट यंग मैन एंड आई होप के यू विल डू वेरी वेल इन योर पॉलिटिक्स और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मियां अब्दुल समद साहब, हल्का 159 पीपी लाहौर से, इनकी बातें आपने सुनी। अब हमें फीडबैक दीजिएगा, नीचे क्वेश्चंस लिखिएगा ताकि वो क्वेश्चंस हम आप इनके फॉरवर्ड कर दें, और फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हिम नियर द इलेक्शंस तो वो सवाल हम सामने रख के तो फिर इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।